नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल के इंटरव्यू के बारे में। मेरे पास लगातार हमेशा एक क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर क्या सैनिक स्कूल में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और मैं बार बार कोशिश करता हूँ, इसीलिए आज मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है ताकि मैं प्रॉपर तरीके से पेरेंट्स को समझा सकूं कि सैनिक स्कूल में 2019 से ही इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सैनिक स्कूल को छोड़ करके जितने भी बाकी स्कूल हैं, जैसे आपका यूपी सैनिक स्कूल हो गया, बाकी जो आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो गया, आरआईएमसी देहरादून हो गया, गुरुकुल हो गया, सेंट्रल हिंदू स्कूल हो गया, जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, इन सभी स्कूलों में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। लेकिन जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर में जो स्कूल आते हैं भैया, उसका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाता है। तो पेरेंट्स बहुत ही विश्वास के साथ हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि आपको सही जानकारी मिले, आपका टाइम ना खराब हो। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जितने भी इंडिया में अभी तक ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर में करीब करीब 33 सैनिक स्कूल है। आपको इस चीज को समझना है, 33 सैनिक स्कूल है और किसी भी सैनिक स्कूल में इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाता है। पहले ऐसा होता था कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका फरवरी में रिजल्ट आता है, फिर आपका इंटरव्यू होता था, फिर आपका मेडिकल होता था। तो आपको इस चीज को समझना है, प्रोसेस काफी लंबा होता था। लेकिन अब आपका अगस्त और सितंबर में फॉर्म निकलता है, इस साल कोरोना वायरस की वजह से लेट हो गया है, जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होता है और एग्जाम के बाद फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका आपका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आने के बाद आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है, अप्रैल में आपको एडमिशन मिल जाता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।